जिम जाने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पे हैंडपम्प एक्सरसाइज कर रहे हैं। मन शुद्ध तुझ गोष्ट हाये पृथ्वी मोलाची, हाँ पृथ्वी मोलाची, हाय पृथ्वी मोलाची। मन शुद्ध तुझ गोष्ट हाये पृथ्वी मोलाची, तू चाल पुढ तुला रगड्या भीती कशाची, परवा भी कुणाची, परवा भी कुणाची, परवा भी। हेलो, बहुत दिनों के बाद एक नया ब्लॉग के साथ में आई हूँ। हम आए हैं रायगढ़ जिला के 3 किलोमीटर नज़दीक एक गांव में। इस गांव का नाम है कोंडरा। ये गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से है, पीछे देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बारिश में चावल की फसल होती है, और अब ये दिसंबर में फसल काटा जाता है और जो राइस है उसे निकाला जाता है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे आप पीछे देख रहे हो, ये प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। ये प्रोसेस का नाम है, मराठी में से मलनी कहते हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल में कि इन लोग कैसे काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से इस लकड़ी पे ये ऐसे काटोदार जो है लकड़ी पे जो है ये जो फसल जो काटा हुआ है ये यहाँ पे लकड़ी पर मारते हैं और इसका धान जो है वो ऐसे निकलता है। अब देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है ये। हम चावल तो डायरेक्टली मार्केट से लेकर 50-60-70 रुपए में लेते हैं, बनाते हैं, खाते हैं और जो बचता है वो फेंक देते हैं। अगर कोई ये चावल उगते हुए इसकी जो फसल किस तरह से करते हैं ये अगर कोई देख लेंगे तो एक एक अन्न भी कभी वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए ये प्रोसेस शुरू हो चुका है यहाँ पे। इसको पटका जाता है इस तरह से और इसके धान में जो है अन्न जो है वो निकाले जाते हैं। इसको दूसरी तरफ से भी बांधा जाता है और इसका जो कचरा है वो निकाला जाता है, दूसरी छोर से भी पटका जाता है, बचा कुचा जो धान है वो निकलता है। लकड़ी से मारते हैं जो बचा कुचा धान में निकालने के लिए। ये लास्ट प्रोसेस होने के बाद इसको बांधा जाता है। ये जो धान निकाला हुआ है इसको एक मशीन में डाला जाता है और इसके चावल जो है वो निकाले जाते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति मौजूद है जो गोचर तीर्थ के सदस्य है और ग्राम प्रमुख। नमस्कार गंगाराम धाड़वे जी, कैसे हो आप? ये जो चल रहा है यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे सिटी में जो लोग रहते हैं उनके लिए? हमें लोग अति दुर्गम भागा मध्ये राहतो, ये शेतीची काम करतो। शेती आमच्या गावी गाडीचा वगैरे काय साधन नाही, त्याच्यामुळे आमच्याकडे भात कापायची मशनरी किंवा झोडायची मशनरी येत नाही, त्याच्यामुळे आम्ही अशी हाताने झोडणी करतो। महिला पुरुष एकत्र येऊन याच्यावरती आमचा निर्धार बसतो। आमच्या गावी सर्वत्र असे जवळजवळ 70-80 कुटुंब आहेत, ते याचप्रमाणे आम्ही सर्व भात शेती करतो आणि अशी मेहनत करून या आम्ही 12 महिन्याची मेहनत म्हणून मानून या आम्ही आमच्या गावप्रभूचं नाव घेऊन गावदेवीचा तिच्या नावाने आम्ही हे शेतीचे काम करत राहतो। यहाँ पे और एक व्यक्ती मौजूद है जो ग्राम सरपंच है कैलाश चौहान जी। शेती आम्ही करतो उन्हाळी एकच पीक भात नाचणी वरी उडीद एकच वर्षाचा एकच पीक, भाजीपाला पण होत नाही, पाऊस पडेल तेव्हाच आम्हाला पीक भेटतो, उन्हाळी आम्हाला पीक नाहीये डोंगर भाग। पंचायत समितीचे सदस्य पण आहेत इथे, तुमचं नाव सांगा? विश्वास खुले। आम्ही शेती मजुरी करतो सगळी, शेतामध्ये भात पिकवतो किंवा काही असे अडचणी असतात की आम्हाला काही उत्पन्न मिळत नाही, भाताचं पीक फक्त मिळतोय, त्याच्यामध्ये आम्ही कुठे नाचणी केली तरी नाहीतर जनावरं आणखीन त्याच्यामध्ये खातात सगळी, डुकरं येतात माकडे येतात, किंवा आम्ही शेतकरी करतो त्याच्यामध्ये आम्हाला काही फायदा मिळत नाही,
मजुरी निघत नाही आमची, पण आम्ही आपली शेती आहे म्हणून थोडीशी कसून करायची, एवढंच मेहनत आम्ही करतो, दुसरं काही नाही. जो प्रोसेस हमने देखा था मन्नी का, ये अभी खत्म होने आया है. इसके लिए आप देख रहे हैं, पूरा धान में जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं. और यहाँ पे ऐसा प्रथा है, ऐसी परंपरा चलते आ रही है कि यहाँ पे एक दूसरे को हेल्प किया जाता है, बट पैसे नहीं लिए जाते. तो ये देखिए, ये आए हैं, ये आए हैं, ऐसे चार पांच लोग यहाँ पे मन्नी करने के लिए आए हैं. तो एक दिन जो है एक के घर पे काम होता है और दूसरे दिन दूसरे के. अभी ये मन्नी का काम समाप्त हुआ है तो यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है. तो इनकी जो फसल जो जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं ग्राम देवता, उनकी ये पूजा अर्चना कर रहे हैं. बा माधवा गणपती बोला जाए उमर जाए काल भैरी नाने पर्ण होती पान करनी कुमस जाए वागजा माते भवन माते गाँव माझे गवसे माझे आई आज 12 महिन्याची मेहनत आहे एक दिवसाचा मान आहे दे जो भागले धन्यवाद मॅडम धन्यवाद धन्यवाद. तो ये पूजा अर्चना यहाँ पे हो गई है. ग्राम देवता को उन्होंने उनका धन्यवाद माना है, इनको इतनी अच्छी फसल उगा के यहाँ पे दी है. तो ये एक बात बताना मैं भूल गई हूँ, हम है सह्याद्री पर्वत के यहाँ पे, जो रायगढ़ जिला शिवाजी महाराज जी के रायगढ़ जिला से 3 किलोमीटर केवल 3 किलोमीटर दूरी पे है. यहाँ पे एक छोटा सा नदी है, हम आगे की तरफ नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ मैं, नहीं हो पा रहा. इसको गांधारी नदी कहते हैं. यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं, एक काल नदी, एक सावित्री नदी और ये गांधारी नदी. तो गांधारी नदी के वजह से यहाँ के लोगों का जो प्यास है वो सदियों से बुझती चली आ रही है, सब कुछ ईश्वर की कृपा है. तो यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी उम्र आप देखेंगे तो 40-50 के ऊपर है. नमस्कार दें, आपके हाथ दिखाएंगे एक बार, नखून दिखाएंगे. ये देखिए किस तरह से इनके हाथ जो है, दोनों हाथ दिखाइए. ये देखिए आपके हाथ भी दिखाइए. कितने सालों से कर रहे हो आप? 2-3 साल से. ये देखो पानी में भात खेती बोलते हैं ना, वो लगाते हैं पानी में. हाँ देखो बता रहे अपनी. तो कितना मेहनत का काम है. और हम जो है डी मार्ट में जाके ग्रोसरीज खरीद के तुरंत पका कर कुकर में पका कर खा लेते हैं, और जो नहीं चाहिए जो बचा हुआ है वो फेंक देते हैं. इतनी मेहनत, ये कड़ी धूप है, देखिए डायरेक्ट सनलाइट जो है हमारे यहाँ पे सर पर आ रहा है. इतनी कड़ी धूप में बिना चप्पल के इस तरह से काम करके, ये ऐसे लोगों के वजह से, किसानों के वजह से ही हमारा भारत देश जो है चल रहा है, पूरी दुनिया चल रही है. तो इनका सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, हर एक अन्न का सम्मान करें. वीडियोस आपको पसंद आया होगा ऐसा आशा करती हूँ. तो मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक ये वीडियो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू. हा झेंडा फाल्या कामाचा जो घेऊन निघाला, हा झेंडा फाल्या कामाचा जो घेऊन निघाला, अर काट कुट वाट मंदी बोच ती द्याला. रगत निघल तरी बी हसल शाबास केची, रगत निघल तरी बी हसल शाबास केची. तू चाल पुढ तुला रगड्या भीती कशाची, परवा भी कुणाची, मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे. पृथ्वी मोलाची, पृथ्वी मोलाची, आ पृथ्वी मोलाची, मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे. पृथ्वी मोलाची, तू चाल पुढं तुला रगड्या कशाची, परवा भी कुणाची.